थैंक्स टू डब्ल्यू टी जी मॉर्टन, फादर ऑफ एनेस्थीसिया, हु गेव फर्स्ट ईथर एनेस्थीसिया ऑन 16 अक्टूबर 1846, टुडे सेलिब्रेटेड एज ईथर डे। इन पी एस सी वी एग्जामिन द पेशेंट एंड असेस फॉर फिटनेस ड्यूरिंग सर्जरी, गिव ट्रीटमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज लाइक हाइपर टेंशन, डायबिटीज, आस्थमा, एनी इंडोक्राइनल डिजीजेज। एज वी ऑल नो एनेस्थीसिया हैज थ्री कंपोनेंट्स, एमनेसिया और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया एंड रिलैक्सेशन। ड्यूरिंग प्री मेडिकेशन वी गिव एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट, इट हैज वेगोलिटिक एक्शन एंड एंटी सेलेबरी सिक्रेटरी प्रॉपर्टी। सेकेंड ड्रग वी यूज मिडाजुलम विच हैज एमनेसिया एंड फेंटनलिन, मॉर्फिन ग्रुप ऑफ ड्रग, बेस्ट एनाल्जेसिक नोन टू ह्यूमंस। ड्यूरिंग इंडक्शन वी गिव प्रोपोफोल और थायोपेंटोन और केटामिन फॉर एमनेसिया, एंड फॉर रिलैक्सेशन वी गिव डिपोलराइजिंग एजेंट लाइक सक्सेसनाइल कोलिन और नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट विक्रोनियम एट्रोकोरियम। पेशेंट बिकम्स अनकॉन्शियस एंड पैरालाइज, इट्स आइडियल कंडीशन फॉर इंटुबेशन। After intubation, see ETCO2. If it's normal, you are inside trachea. It's the best sign of intubation.
ड्यूरिंग मेंटेनेंस वी गिव नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन इनहेलेशनल एजेंट आइसोप्रोलिन सिबोफ्लोरिन और हेलोथेन एंड नॉन डिपोलराइजिंग रिलैक्सिन. नाइट्रस ऑक्साइड इज एनाल्जेसिक इनहेलेशनल एजेंट प्रोड्यूसेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. During maintenance, when surgeon is operating, you monitor patient's ECG, SpO2, blood pressure, non-invasive or invasive, ETCO2, urine output, and you give fluid or blood if required, and intermittently give long-acting muscle relaxant. During recovery, we use neostigmine and atropine. Neostigmine has muscarinic and nicotinic effect. We need only its nicotinic effect. So to counteract muscarinic effect, add atropine. Neostigmine is acetylcholine esterase inhibitor. It increases the level of acetylcholine level at muscle receptor required for muscle contraction. Diclofenac is NSAID. It gives analgesia without sedation.